हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक चीज़ों से चॉकलेट केक बनाना बताऊंगी, जो सामान आपके घर में कॉमन तौर पे आपको मिल जाए। यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालकर दूध गर्म करके रखा था, 2 चम्मच डालकर मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैं 1 बड़ी चम्मच से अमूल का दूध पाउडर डाली हूँ। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। इस अमूल के दूध पाउडर को डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। फिर यहाँ पे मैं कोको पाउडर 100 ग्राम डाल रही हूँ। ये 100 ग्राम का चम्मच है, इसे मैं डाल रही हूँ। कोको पाउडर डालने से चॉकलेटी फ्लेवर आएगा और अच्छे से डालकर मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए, मैं इसी चम्मच से दूध डाल रही हूँ। जितना कोको पाउडर ली थी उतना ही दूध मैं ली हूँ। दूध को भी अच्छे से डालकर कोको पाउडर को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चॉकलेटी केक इस ढंग से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। ये सामान तो कॉमन तौर पे आपके घर में मिल जाएगा। बिल्कुल घरेलू ढंग से मैं चॉकलेट केक बनाना बता रही हूँ। बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, 1 से 2 हफ्ते तक आराम से आप लोग खा सकते हैं। जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो चॉकलेट केक निकाल कर कट करके खा लीजिए। मैं तो बना के फ्रिज में रख दी हूँ, मेरे बच्चों को जब मन करता है निकालते हैं खाते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे फेंट लिया है। कितनी अच्छे से मैंने चॉकलेट कोको चॉकलेट को फेंटा है। अब यहाँ पे मैं 1 कप मैदा डाल रही हूँ। मैदा लगभग 1 पाव रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। यहाँ पे मैं फिर छोटे वाले कप से 1 कप में फिर से दूध डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि कोई लम्स न पड़े। दूध डाल के अच्छे से मिक्स करते रहिए, कोई लम्स नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं चीनी पीस कर रखी थी, इसे भी मैं इसी में डालकर अच्छे से मिक्स करूंगी। चीनी मैं लगभग 100 ग्राम ली हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं रख रही हूँ। आप लोग को जितना मीठा रखना है उस क्वांटिटी में आप लोग बनाइए, और फिर देखिए इस चॉकलेट का मज़ा 2 गुना बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, थोड़ी सी दूध में डालकर अच्छे से मिक्स फिर से कर रही हूँ। ये जितने अच्छे से मिक्स होगा, उतने अच्छे से चॉकलेटी केक बनकर तैयार होगा। यहाँ पे देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून खाने का सोडा डाल दी हूँ, और सोडे के ऊपर मैं थोड़ा सा दूध डालकर इसे एक्टिवेट कर दूंगी, ताकि एकदम ये फूलकर उभर जाए। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छे से मिक्स होके उभर रहा है चॉकलेटी केक। आप लोग भी बनाइए अपने घर में। यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच मैं सोडा डाली हूँ, फिर से बेकिंग सोडा डाली हूँ फिर से, और डालकर मैं इसे बहुत अच्छे से चलाऊंगी। बेकिंग सोडा डालने से फूलकर बहुत अच्छे से केक तैयार होता है बनकर, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब एक केक बनकर तैयार होता है। बेकिंग सोडा डालकर देखिए तो केक बहुत ही अच्छा बनेगा, और स्वादिष्ट लाजवाब एमी भी बनेगा। यहाँ पे देखिए, इसे फेंट कर मैं 10 मिनट के लिए रख दूंगी बिल्कुल अच्छे से। मैं यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल भी डाल दी हूँ, इसमें डालकर फेंट दे रही हूँ। सारे चीज़ों को मिक्स करके डाला। आप चाहें तो ऑयल के जगह बटर भी डाल सकती हैं। यकीन मानिए,
बहुत ही स्वादिष्ट एक एक बनकर तैयार होगा। ये सब प्रोसेस करने में मुझे लगभग 10 मिनट लग गए हैं। देखिए, बिल्कुल इसी ढंग से फेंट के रख लीजिए और जितने अच्छे से इसे चला चला कर फेंटेंगे उतना अच्छा एक केक एकदम फ्लफी सा बनेगा। यहाँ मैं केक टिन ली हूँ और इसमें मैं रिफाइन ऑयल लगा कर ग्रीस कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ। रिफाइन ऑयल लगाकर 1 चम्मच कोको पाउडर डालकर इसको अच्छे से हिलाकर चारों तरफ मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर को। और देखिए, बिल्कुल इसी ढंग से आपको कोको पाउडर को चारों तरफ से मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद इसमें केक का बेटर डालना है। यकीन मानिए, इस ढंग से आप केक बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा केक घर के सामानों से बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं इसे फिर से फेंट ले रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। देखिए, अब मैं सारे केक को केक टिन में डाल दूँगी। देखो कितने अच्छे से ये गिर रहा है, यानी कि ऐसे ही बिल्कुल ये गिरना चाहिए केक टिन में, ताकि केक फूलकर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो। यहाँ पे मैंने सारे बेटर को केक टिन में डाल दिया है और थोड़ी सी इसे एक दो बार टैप कर दूंगी कि सारे बेटर एक जगह से हटकर अच्छे से केक टिन में फिट हो जाए। अब मैं जो चीनी का जार खाली पड़ा था उसमें मैं तीन चार पीस चॉकलेट वाले बिस्किट रखी थी, वो बिस्किट तोड़कर मैं इसमें डाल दूंगी और थोड़ी सी 1 चम्मच क्वांटिटी में कोको पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच ही दूध डालकर मिक्सी के जार में इसे बिल्कुल अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी ढंग से पेस्ट बनकर तैयार होना चाहिए। देखिए यहाँ कितनी अच्छी सी डार्क चॉकलेट निकल रहा है। बिल्कुल इसी ढंग से डार्क चॉकलेट बनाकर आप एक कटोरी, बाउल, प्लेट किसी चीज़ में रख लीजिए। बाद में हम इसी चॉकलेट से चॉकलेट के ऊपर गार्निश करके दिखाएंगे। और ऐसे अगर केक आप बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी केक बने। यहाँ मैं केक को कढ़ाई में बेक होने के लिए रख दी हूँ। पूरा केक के प्रोसेस करने में 1 घंटा लगा है। यहाँ पे देखिए, केक पक रहा है। अभी केक अच्छे से पका नहीं है, इसलिए मैं ढककर फिर से केक को रख दे रही हूँ ताकि केक बहुत ही अच्छे से यम्मी से पक जाए। और फ्लेम को फ्रेंड्स बराबर लो ही रखिएगा ताकि केक इससे बहुत ही अच्छे से पकेगा। यहाँ पे देखिए, मैं लो फ्लेम पे पका रही हूँ। केक मेरा अब धीरे धीरे पक चुका है, लेकिन थोड़ी सी अभी कच्ची है, इसलिए मैं इसे फिर से ढक कर रख दे रही हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं खोल कर दिखाऊंगी कि कैसा केक पर तैयार हुआ है। देखिए, केक कितना फूल गया है और केक टिन में अच्छे से भर भी गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे केक मेरा बन गया है। इसे मैं 1-2 सेकेंड के लिए और फिर से ढक के रख दूंगी कि जो भी कच्चापन कसर है वो निकल जाए और बिल्कुल अच्छे से केक बनकर तैयार हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं केक को फिर से दिखा रही हूँ आपको। केक बिल्कुल अच्छे से पक गया है। अब केक को मैं केक टिन से बाहर निकालने के लिए तैयार है। यहाँ देखिए, मैं नाइफ डाल के चेक की थी और मेरा नाइफ एकदम साफ और क्लीन निकला है।
इसलिए केक बहुत ही टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार है। चॉकलेटी डार्क चॉकलेटी केक आप चाहें तो बिल्कुल आसान ढंग से अपने घर पे ही बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ केक निकाल लिया है, केक टिन से 5 मिनट रेस्ट के लिए रखा था और देखिए यहाँ पे केक कितना अच्छा सा बनकर निकला है। अब जो मैं बिस्किट और को पिघला कर रखी थी और मैं इस केक के ऊपर थोड़ा सा लगाकर इसे गार्निश कर दूंगी कि केक बहुत ही अच्छे से निकले। यहाँ पे देखिए केक मेरा अच्छे से निकल चुका है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब एक केक बना है। यहाँ पे देखिए मैं केक को कट करके दिखा रही हूँ, केक कितने अच्छे से निकल कर गार्निश हो के निकला है। यहाँ पे मैं सारे केक को कट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे केक कितना फुला फुला सा यमी यमी सा चॉकलेटी केक लग रहा है। घर में ही आप चाहें तो चॉकलेटी केक यमी यमी सा बना सकती हैं और फिर अपने भी खाइए, अपने फ्रेंड्स को भी खिलाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए, सभी को खिलाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे एक केक खा के। आप घर में ही चाहें तो इतना अच्छा सा केक आप खुद बना सकती हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैंने केक बना लिया है और केक मैं खोल के दिखा रही हूँ, कितना यमी यमी सा टेस्टी सा केक बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं एक कटोरे में सारे केक को निकाल लूँगी और बिल्कुल इसी ढंग से निकालूँगी केक को। सारे सारे केक देखिए देखने में भी कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं, यमी लग रहे हैं, खाने में तो हैं ही यमी। यहाँ मैं स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी और जब भी किसी को खाना रहेगा तो वह खाएगा। देखिए केक यहाँ तैयार है फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा प्लीज़। थैंक यू, कल मिलते हैं।